गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, अभी मैं निकल रहा हूँ पुणे के लिए, और पुणे जाने से पहले मुझे जाना है ठाणे। ठाणे में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्मार्ट वॉच है वो सर्विस सेंटर में देना है। एक महीने पहले मेरा स्मार्ट वॉच खराब हुआ था, एक महीने के बाद उन्होंने मुझे दिया, और जब मैं लेने गया था तब उनके पास चार्जिंग का केबल नहीं था और मैं भी लेके नहीं गया था। तो वैसे मैं लेके आया, घर आके देखता हूँ तो वो डेड है। तो अभी फिर से मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से सर्विस सेंटर 10 बजे ओपन होगा। सर्विस सेंटर 10 बजे खुलेगा, 10 बजे मुझे पहुंचना है, पहला नंबर लगाना है, स्मार्ट वॉच देना है, और उसके बाद ठाणे से ही मैं निकलूंगा पुणे के लिए। तो चलो, ये मुझे मिला था नया वॉच, बंद है फिर भी पहन लिया, जेब में रखने से अच्छा है हाथ में पहन। जो हेलमेट का कैमरा है उसका चार्जिंग थोड़ा सा कम है, तो एक काम करता हूँ, ठाणे बीने का जो काम है वो ख़त्म करता हूँ, और जब लोनावले के पास पहुँचूंगा तब इसको हेलमेट पर लगाता हूँ। वैसे भी वहीं पर रोड दिखाने लायक है, तो चलो निकलते हैं। ट्रिप को करता हूँ जीरो, और देखते हैं आज कितनी गाड़ी चलती है। ये देख के बड़ा सुकून मिलता है। मेरे घर से ठाणे 25 किलोमीटर था, और वो कवर करने के लिए मुझे 1 आवर लगा। ये वॉच लेके घर पर गया था, मेरे चार्जर से मैंने चार्ज करने की कोशिश की जो इसके साथ मिला था, तो उसे ये चार्ज नहीं हुआ। फिर आजू बाजू में 2-3 शॉप थे, वहाँ पर मैं चला गया, वहाँ पर भी किसी चार्जर से ये चार्ज नहीं हुआ। और जैसे ही मैं सर्विस सेंटर में गया, ये चालू हो गए। मेरे घर से ठाणे और ठाणे से नेरू, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, इस बीच में कम से कम 100 स्पीड में कर रहेंगे, पूरा दिमाग खराब हुआ है। तो अभी टाइम है 11:47, जल्दी से निकलता हूँ और आपको देख ली खंडाला या लोनावला में मिलता हूँ। ओम नमः। कैमरा लगाने के लिए रुका था, खोपोली का घाट शुरू हो गया। ये देखो पीछे बोर्ड, इसलिए अभी कैमरा लगा दिया हेलमेट पर। ट्रेन से बाहर खड़े रहकर ट्रेन को देखने का मज़ा ही कुछ और है, और मुझे ओनली ट्रेन से ट्रैवल करना अच्छा लगता है बाइक के बाद। अरे यार, कोई तो हेलो करो मुझे। कौन सी ट्रेन है ये? चेन्नई सेंट्रल। ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी है। मैं हूँ पुणे में शिवाजी नगर, और मैं आया हूँ उड़ुपी स्वाद में। अब तक मेरा खाना आता है न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच देखता हूँ। बोलो कि है लच्चा बड़ा थाली, पापड़, लच्चा बड़ा राइस, रायता, दाल, छोले, और ये लग रहा है बैंगन, बैंगन आलू की सब्जी। मस्त, अभी पेट पूजा हो गई, और थोड़ा टाइम मैं हूँ यहाँ पे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ। पानी में ज़्यादा टाइम हाथ रखने से ऐसा होता है ना हाथ, अभी बाइक चला के ऐसा हाथ हो गया मेरा। जिस काम के लिए आया था वो काम हुआ है, अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। अगर जल्दी पहुँचता हूँ लोनावला में, तो लोनावला का जो ऊपर का पॉइंट है वो देखने चलेंगे। अगर थोड़ा सा लेट हुआ तो जो नीचे का ही पॉइंट है वो देखेंगे, और डायरेक्ट मुंबई। लोनावला में थोड़ा सा जल्दी मुझे पहुँचना चाहिए था। अभी देखो टाइम हुआ है 5:30, और ऊपर जाने के लिए मुझे और 15-20 मिनट लगेंगे। यहाँ से मुझे लेना है राइट। बस भी मैं हूँ लोनावला के टाइगर पॉइंट पर। जब लोनावला सिटी से मैं ऊपर पहाड़ी पर आ रहा था ये पॉइंट पर, तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर कोई नहीं होगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है, बट मैं दिखाता हूँ कितने लोग हैं अभी भी। ये देखो अभी टाइम कितना हुआ है, 5:50, और लोग देखो कितने सारे हैं। अपनी बाइक, जैसे मैंने बाइक अंदर ले ली, 2-3 लोग आए मेरे पास, मुझे पूछने लगे आपको क्या चाहिए, क्या चाय कॉफ़ी। इसमें से एक को बोला है कांदा भजी और एक कॉफ़ी ले। आ गई मेरी कॉफ़ी, ब्रू, ब्रू कॉफ़ी, एक कॉफ़ी 40 रुपीज़।
थोड़ी देर पहले यहाँ पे सनसेट हो गया। आधे घंटे के अंदर पूरा अंधेरा हो गया। चलो अभी निकलता हूँ। 6:30 हुआ है लेकिन अंधेरा देखो कितना है। मतलब जाते टाइम भी ट्रेन मिली और आते टाइम भी ट्रेन। सुबह 9:30 को घर से निकला हूँ और अभी टाइम हुआ है 8:44, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए मैं घर से बाहर हूँ। अभी मैं पनवेल के मॉल में हूँ। इस मॉल का नाम मुझे याद नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आज पहली बार आया हूँ इस मॉल में, इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ बट नाम नहीं पता यार। मुझे आज बहुत ज़्यादा काम था बट फिर भी मैंने खाई खाई में वीडियो बना दिया। पता नहीं कैसा वीडियो बना है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ना लाइक करके ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।